हम 1.5 करोड़ एट 1.25% इक्विटी की आस कर रहे हैं। कंपनी की वैल्यूएशन है 120 करोड़। ये कंपनी की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अरे सिंपल है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी की ईयरली सेल या कंपनी की ईयरली रेवेन्यू कितनी है। अब मान लेते हैं कंपनी की मंथली रेवेन्यू 1 करोड़ है, तो 1 साल की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 1 करोड़ × 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 12 करोड़ की ईयरली रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। इस हिसाब से देखा जाए अगर बिजनेस ज्यादा रिस्की है तो 2x या 3x वैल्यूएशन देंगे, यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू 12 करोड़ है तो 20 से 22 करोड़ के बीच में वैल्यूएशन दी जाएगी। पर अगर बिजनेस अच्छा है, लेस रिस्की है, तो कंपनी को 5x वैल्यूएशन भी मिलती है। एक और तरीका है जिसे जानेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए वैरो को सब्सक्राइब करें।